आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने की है सीएम योगी की मंशा। घंटाघर में एक जगह उपलब्ध होंगे रेडीमेड गारमेंट के सभी उद्यमियों के उत्पाद। ओडीओपी शोरूम में सभी उद्यमियों के रेडीमेड गारमेंट का होगा डिस्प्ले। बाहर के कारोबारियों को सैंपल देखने व ऑर्डर देने में होगी सहूलियत। पत्नी से लूट के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों को उरवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 4500 रुपए किया बरामद, भेजा जेल। पच्चीस और इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े के आने से जनपद के ग्रामीण इलाकों से शहर में आने वाले ग्रामीणों को मिलेगा सस्ता सुलभ साधन। होगा उनका सपना साकार, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या हो जाएगी 52। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने दी जानकारी। एसपी साउथ का कार्यालय गोरखपुर से बेलीपार थाना परिसर में बने नए भवन में हुआ शिफ्ट। दक्षिणी क्षेत्र के थाने के फरियादी कार्यालय में आकर मिलकर बता सकते हैं अपनी समस्याओं का होगा समाधान। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। सुखैती के नाम पर महिलाओं को रात में बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के आरोप में वांछित शोखा को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। धोखाधड़ी व कूट रचना के आरोप में वांछित 10,000 रुपए के इनामी अभियुक्त सिकरीगंज थाने की पुलिस व एसओजी टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ ने दी जानकारी। गोरखपुर में गोला व खजनी के तहसीलों के गांव में पंचायती राज विभाग द्वारा 25 लाख का लगाया जा रहा है बायोगैस प्लांट। 5 केवी का जनरेटर, 45 वाट की जलाई जा सकेगी 60 स्ट्रीट लाइट। सरहरी चौकी पर लगे बोर्ड से चौकी प्रभारी ने अधिकारियों का नाम व नंबर मिटवाया। एसपी नॉर्थ ने कहा, मामला संज्ञान में आते ही चौकी प्रभारी को दिया गया चेतावनी, दोबारा लिखवाया गया नाम और नंबर, दोबारा ऐसा ना करने की दी गई हिदायत। मारपीट, दुष्कर्म व लूट करने के आरोप में वांछित अभियुक्त को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 350 रुपए किया बरामद, भेजा जेल। नगर निगम ने इंदौर नगर निगम की तर्ज पर महानगर में 5 जोन की जगह किया 10 जोनों में विभाजित। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, सभी 10 जोनों में जोनल अधिकारी और जोनल सेनेटरी इंस्पेक्टर की कर दी गई है तैनाती। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में 2 दिवसीय व्याख्यान माला का महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में हुआ शुभारंभ। 2047 के भारत विषय पर किया गया चर्चा। और 3 सितंबर को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के 29 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाएगा व्यापारी दिवस। सम्मान समारोह का आयोजन कर शहर के 29 वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यापारियों को किया जाएगा सम्मानित। प्रदेश संगठन मंत्री मक्खन लाल गोयल ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी।